नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पित आर्या। जिस विस्तार का इंतजार हो रहा था वो आज पूरा हो रहा है। यूपी से इस वक्त की बड़ी खबर कि आज शाम योगी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। 7 नए चेहरों को योगी कैबिनेट में शामिल होने की खबर है, जिसमें सबसे बड़ा नाम जितिन प्रसाद का है। जितिन प्रसाद को मजबूत चेहरा माना जाता है। संगीता बिंद और छत्रपाल गंगवार, पलटू राम, दिनेश कटीक, कृष्णा पासवान के भी नाम संभावित मंत्रियों की सूची में शामिल है। शाम 6 बजे शपथ ग्रहण का वक्त तय हो चुका है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल लखनऊ पहुंच रही हैं, ये जानकारी भी है। तो आज शाम जहां एक तरफ 4:30 बजे पंजाब में मंत्री शपथ लेंगे, वहीं दूसरी तरफ आज कैबिनेट का विस्तार उत्तर प्रदेश में शाम 6 बजे होना है। तो दो ये बड़ी घटनाएं जो तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। अब नाम दोनों जगह, कई नाम जिन पर चर्चा चलनी के मंत्रियों के तौर पर कि आखिरकार कौन होगा, वहीं यूपी में भी कयास लगाए जा रहे हैं, अटकलें चल रही हैं कि कौन से वो चेहरे हो सकते हैं। शाम 6 बजे आज मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और आनंदीबेन भी पहुंच रही हैं, ये बताया जा रहा है लखनऊ। और साथ ही साथ कौन पहुंचने का सिलसिला जो है वो भी इस वक्त शुरू हो गया है। तो योगी मंत्रिमंडल की अगर वर्तमान स्थिति देखें तो आज देखिए 7 नए चेहरे, 7 से 8 हो सकते हैं मंत्री बनाए जा सकते हैं। 23 कैबिनेट मंत्री फिलहाल योगी मंत्रिमंडल में है, 9 स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं, 22 राज्य मंत्री, यानी अगर मंत्रियों की कुल संख्या देखें तो 54 है और 6 मंत्री पद यहां पर रिक्त हैं, खाली हैं। जितिन प्रसाद, संजय निषाद, इनको अहम जिम्मेदारी मिल सकती है ब्राह्मणों की नाराजगी दूर करने के लिए। जितिन प्रसाद को यूपी में मंत्री बनाया जा सकता है, जो जानकारी आ रही है निषाद पार्टी के संस्थापक संजय निषाद को भी मंत्री पद दिया जा सकता है, अभी उनसे गठबंधन हुआ है। तो ऐसे में जो सहयोगी दल साथ हैं, जो चुनाव में साथ उतरने वाले हैं, उन्हें भी खुश करने की यहाँ कोशिश हो सकती है। हर समीकरण साधने की कोशिश विस्तार के माध्यम से जरूर होगी। तो योगी कैबिनेट का आज विस्तार, चुनाव के पहले ये कहा जा रहा था कि विस्तार मुमकिन है, वक्त ज्यादा लगा क्योंकि खबरें तो ये थी कि अगस्त या सितंबर के फर्स्ट वीक, यानी 1 सितंबर 2 सितंबर तक ही विस्तार हो सकता है, लेकिन कई बार वो आगे बढ़ता रहा। और आज जो जानकारी मिल रही, शाम 6 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, 7 नए चेहरे जो है जो मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं। अब किसको क्या मिलता है ये देखना होगा। शाम 6 बजे का वक्त बेहद महत्वपूर्ण। जितिन प्रसाद सबसे ज्यादा चर्चा इन्हीं के नाम को लेकर, संजय निषाद, ये दोनों नाम ऐसे जिनको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है कि इन्हें मंत्री पद मिल सकता है। तो हर तबके, समुदाय और हर क्षेत्र को साधने की कोशिश यहां पर जरूर होगी। जितिन प्रसाद को मंत्री के अलावा एमएलसी भी बनाया जा सकता है, ये भी जानकारी मिल रही है। तो कई अभी देखिए सिर्फ जानकारियां हैं जो प्राथमिक तौर पर हासिल हो रही हैं। आज मंत्रिमंडल का ये विस्तार होना है, शाम 6 बजे नए मंत्री जो है वो शपथ लेंगे। यहां जो नाम सामने अभी आ रहे हैं, संभावित ये जो सूची है उसमें कौन कौन से नाम हो सकते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। आज योगी कैबिनेट का विस्तार होना है। जितिन प्रसाद ये एक ऐसा चेहरा जिससे ब्राह्मणों की जो नाराजगी हुई थी उसको दूर करने की कोशिश होगी, उनको यूपी में मंत्री बनाया जा सकता है। वहीं निषाद पार्टी के संस्थापक संजय निषाद को भी मंत्री पद दिया जा सकता है, हालांकि वो कई बार ये कह चुके हैं कि उनको उप मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाए और उसके बाद चुनाव में उतरा जाए। तो क्या जैसी कोई जिम्मेदारी उनको दी जाती है या उनके लिए क्या सोचा गया है, वो शाम 6 बजे जो है वो साफ हो पाएगा। संगीता बिंद ये भी एक नाम जो इस संभावित सूची में है, छत्रपाल गंगवार, पलटू राम भी मंत्री हो सकते हैं। तो 6 पद जो है वो रिक्त है, 7 से 8 संभावना है ये कि ये ऐसे 7 से 8 नाम हो सकते हैं, चेहरे हो सकते हैं जो आज जो विस्तार होगा कैबिनेट का उसमें ये शामिल होंगे। अब क्या किसी की विदाई भी होगी, क्या सभी को बरकरार रखते रखते ही ये 7 नए चेहरे और ऐड कैसे किए जाएंगे, ये सारी चीजें देखिए अभी देखनी होंगी। लेकिन लगभग वो नाम तय हो गए होंगे क्योंकि आज संभावना यही कि शाम 6 बजे ही मंत्रिमंडल का विस्तार उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले होना है। तो बड़ी खबर, जिस विस्तार का इंतजार लंबे वक्त से था, हालांकि आपको याद होगा इसको लेकर कई बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछा गया, उन्होंने हंस के मुस्कुराकर इस सवाल का जवाब हमेशा टाला और ये कहा कि वक्त बताएगा कि विस्तार होना है या नहीं। अब वो वक्त आ गया, शाम 6 बजे बताया जा रहा है आज उत्तर प्रदेश में
मंत्रिमंडल विस्तार होना है। कुछ नाम जो संभावित दिख रहे हैं, जो संभावित सूची है उसमें जो सबसे प्रबल नाम लग रहा है वो जितिन प्रसाद का, क्योंकि ब्राह्मणों की नाराजगी अगर दूर करनी है तो एक बड़ी जिम्मेदारी जितिन प्रसाद को देने की तैयारी हो सकती है कि वो, साथ ही साथ निषाद पार्टी के संस्थापक जो अभी उनसे गठबंधन हुआ संजय निषाद, उनको भी साधने के लिए कोई बड़ी जिम्मेदारी बड़ी भूमिका में उनको रखा जा सकता है। यूपी से इस वक्त की बड़ी खबर है, आज शाम योगी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। अभिषेक मिश्रा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अभिषेक, वो कौन कौन से चेहरे हैं जो आज इस विस्तार में मंत्री पद ग्रहण कर सकते हैं? देखिए बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण ये मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, काफी समय से इसकी चर्चा थी, लेकिन पहले हमने देखा जिस तरीके से संगठन के काम चल रहे थे, पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन के बाद में ये प्रक्रिया आगे बढ़ गई थी, लेकिन अब ये स्थिति साफ नजर आ रही है। शाम को 6 बजे माना जा रहा है कि राजभवन में ये मंत्रिमंडल विस्तार होगा। 6 से 7 नामों पर यहाँ पर सबसे तेज सरगर्मियां हैं। जितिन प्रसाद, जिनकी लगभग एंट्री तय है, वो आने वाले हैं। इसके अलावा संजय निषाद, जिसके साथ जिनके साथ में परसों ही साफ तौर पर एक औपचारिक ऐलान किया गया गठबंधन का उत्तर प्रदेश में, उनकी एंट्री यहाँ पे साफ नजर आ रही है। इसके अलावा संगीता बिंद का नाम इसमें शामिल है, बीबी रानी मौर्य का भी नाम है, और भी 3-4 नाम है। इसके अलावा अभी साफ तौर पर बाकी नाम नहीं साफ हो पाए हैं। तमाम विधायकों से कहा गया है कि वो लखनऊ में मौजूद रहे। इसके साथ ही साथ बहुत महत्वपूर्ण ये भी है कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इस वक्त लखनऊ पहुंच रही हैं, वो लगभग 2 से 2.25 के करीब लगभग लखनऊ पहुंच जाएंगी और शाम को 6 बजे कार्यक्रम होना है। राजभवन में भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, यानी कि अब साफ हो गया है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का अंतिम कैबिनेट का जो मंत्रिमंडल का विस्तार है वो आज शाम होने जा रहा है, जो ठीक चुनाव से 5 महीने पहले उत्तर प्रदेश में होगा। जी, आप रहिए जरा साथ। कुमार अभिषेक भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास भी कुछ अपडेट है, सीधे रुक कर लेते। कुमार अभिषेक, उत्तर प्रदेश के देखिए अर्पिता, जो 6 नाम सामने हैं उसमें संगीता बिंद, जितिन प्रसाद, छत्रपाल गंगवार, पलटू राम, दिनेश खटिक, कृष्णा पासवान और एक नाम जेपीएस राठौर का आ रहा है। हालांकि इसमें से 6 जो मैंने पहले बोले वो नाम लगभग कंफर्म है, और संजय निषाद का नाम इस लिस्ट में नहीं है, उन्हें एमएलसी बनाया जाएगा जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक। कुल मिलाकर 6 बजे के आसपास, हो सकता है 6 बजे के पहले ये शपथ ग्रहण शुरू हो। इंतजार आनंदीबेन पटेल के पहुंचने का हो रहा है, लेकिन जो नाम है वो बेहद इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप देखिए पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों की भरमार है। सिर्फ जितिन प्रसाद ब्राह्मण जाति से हैं, बाकी संगीता बिंद निषाद हैं, छत्रपाल गंगवार कुर्मी हैं, पलटू राम ये भी आते हैं खटिक से, दिनेश खटिक, कृष्णा पासवान और जेपीएस राठौड़, ये नाम इस वक्त चल रहे हैं। लेकिन जेपीएस राठौड़ का नाम अभी तक, बाकी 6 नाम अभी तक लगभग कंफर्म माने जा रहे हैं, और देखना यह है कि जो शपथ ग्रहण होता है उस वक्त क्या कोई आखिरी मन लास्ट मिनट चेंजेस है या नहीं। लेकिन जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक संजय निषाद को एमएलसी के लिए उनका नाम है और मंत्रिमंडल के नाम अलग है। बीजेपी ने इस बार जितने नाम रखे हैं, चूंकि ये 2022 चुनाव के पहले का ये आखिरी मंत्रिमंडल विस्तार है, अब अगले कुछ महीने में 4 से 4.5 महीने के बाद चुनाव आयोग की आचार संहिता लग जाएगी, लेकिन इस बार कोशिश ये की गई है कि जो भी अनरिप्रेजेंटेड तबका है, जाति है, उसको ज्यादा से ज्यादा इसमें जगह दी जाए, और यही वो वजह है कि आप जितने नाम देखेंगे या तो दलित जाति से हैं जिसमें कृष्णा पासवान है, पलटू राम है, दिनेश खटिक है, जो बीजेपी को लगातार अभी तक जिन जातियों से समर्थन मिलता रहा है, उसी तरीके से बरेली से संतोष गंगवार केंद्रीय मंत्री से मंत्री थे, उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाया गया है, इसलिए बरेली इलाके से ही छत्रपाल गंगवार को इस बार मंत्रिमंडल में लिया जा रहा है। जितिन प्रसाद का नाम बड़ा नाम है और कुछ महीने पहले उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है, तो उन्हें न सिर्फ मंत्री बनाया जाएगा बल्कि एमएलसी के भी लिस्ट में उनका नाम होगा। तो बीजेपी के लिए ये एक कह सकते हैं कि अनरिप्रेजेंटेड जो जातियां हैं जिन्हें अभी तक मंत्रिमंडल में या फिर एमएलसी में जगह नहीं मिली है, उन्हें बीजेपी इस बार जगह देने जा रही है। 6 बजे दरअसल तस्वीर साफ हो जाएगी, क्योंकि ये चुनाव से पहले ये आखिरी विस्तार मंत्रिमंडल का होना है, उस पर हमारी नजर बनी है। तमाम सहयोगी पल पल के अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं, एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे बहुत जल्द, आप देखते रहिए।
और बड़ी खबर यूपी से इस वक्त, आपको बता दें आज शाम योगी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। 7 नए चेहरे जिनको योगी कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है, जिसमें सबसे बड़ा नाम जीतन प्रसाद का है। जीतन प्रसाद को मजबूत चेहरा माना जाता है। संगीता बिंद और छत्रपाल गंगवार, पलटू राम, दिनेश खटीक, कृष्णा पासवान के भी नाम संभावित मंत्रियों की सूची में शामिल है। शाम 6 बजे शपथ ग्रहण का वक्त तय हो चुका है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल लखनऊ पहुंच रही हैं। सारी तैयारियां भी लगभग पूरी कर ली गई है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक।